तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे HEG लिमिटेड के बारे में। इसका अभी करंट प्राइस जो है वो 2212 2212 प्राइस, इसका भी करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो है आज के दिन बल्कि पिछले 3 दिनों से प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है, और 3 दिनों में ऑलमोस्ट 5% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। अगर बात की जाए तो ये इसका तकरीबन रेजिस्टेंस जोन है, बल्कि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन देखने मिल रहा है। यहाँ पर पहले सपोर्ट लिया था, ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन से पहले देखो अगर देखा जाए तो 2740 रुपये तक इसका प्राइस गया था HEG का। फिर वहाँ से अगर देखा जाए तो 29.5 मतलब 29.5% की गिरावट देखने को मिली थी कुछ दिनों में। और यहाँ पर ये जोन जो है सपोर्ट के बजाय यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और प्राइस यहाँ से नीचे गया, और अभी भी जो है ना इसी रेजिस्टेंस जोन के नीचे प्राइस देखने मिल रहा है। बल्कि यहाँ पर 4 जून की करेक्शंस भी देखने मिली थी, और यहाँ पर जो अगेन से 20 जून को रेजिस्टेंस लिया था, फिर प्राइस नीचे आया था, तो इसी रेजिस्टेंस जोन के नीचे प्राइस देखने को मिल रहा है। बल्कि अगर रेजिस्टेंस जोन की बात की जाए तो 2350 का ये जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है देन उस सिचुएशन में प्राइस जो है आपको यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, प्राइस में उछाल देखने को मिल सकता है अगर इसे रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट करता है। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी जो तकरीबन सपोर्ट लेवल बना हुआ है वो ऑलमोस्ट इमिजिएट सपोर्ट लेवल 2137 2137 रुपीज़ का यहाँ पर सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो अगर इसे प्राइस जो है इस सपोर्ट लेवल के पास में आता है और सस्टेन करता है और फिर ऊपर जाकर इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करता है, देन उस सिचुएशन में इसका प्राइस रिवर्सल देखने को मिलेगा। और अगर से यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट नहीं करता है तो यहाँ पर आपको एक रेंज देखने को मिल सकती है। इस दो रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बीच में ही HEG कंसोलिडेट कर सकता है, एक प्राइस रेंज बना सकता है।